हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रोजेक्ट आपको लेके आए हैं ये 123 में 3 BHK है। ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो दोस्तों, ये जो 3 BHK है विथ 3 वॉशरूम है, मैं आपको एंट्री करवाता हूँ। ये इसका एंट्री डोर है। यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और ये आपका ड्राइंग डाइनिंग आएगा। आप देखिए, ये ड्राइंग डाइनिंग है। इसमें फॉल सीलिंग, आपको जो वॉल पे डिज़ाइन मिल रहा है ये आपको LCD से मिलने वाली है। और यहाँ पे ये मैं आपको बड़ा अच्छा ड्राइंग डाइनिंग है। स्विचेस भी आप देखें, स्विचेस भी इन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं। और यहाँ से ये पूरा ड्राइंग डाइनिंग है। आप देखिए, इसको मैं आपको सारे एंगल्स दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग डाइनिंग है, आप देखें दोस्तों। सामने ही आपकी किचन है। ये किचन है आपकी। किचन में आपको जैसा आप देख रहे हैं फिटिंग वगैरह, आपके वार्डरोब, ये अलमारियाँ ऊपर, ये सारी एज इट इज मिलेंगी। और आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक इसमें पूरा वो है, पैनल्स हैं आप। और यहाँ सामने आपको विंडो मिल जाती है। विंडो से आप देख सकते हैं कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। प्लस इसके जो सिंक हैं वो भी आपके साउंड प्रूफ है। आप देख सकते हैं साउंड प्रूफ सिंक है। तो यहाँ से ये आपका किचन है। इस किचन से आप ये देखिए पूरा व्यू अपना ड्राइंग डाइनिंग का, इस फ्लैट का। 3 BHK विथ 3 वॉशरूम। तो दोस्तों, अब हम पहले बेडरूम में जाते हैं। ये आपका पहला बेडरूम है, आप देख सकते हैं। ये बेडरूम है, इसमें टीवी पैनल आपको ये विद इन लगा के देंगे। भी लगा नहीं है, बट टीवी पैनल यहाँ लगेगा। तो ये आपके विंडो आ जाती है। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं सामने का डिज़ाइन, प्लस ये वार्डरोब भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये वॉशरूम है। इसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जो आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने लाइटिंग लगाई है। तो यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं। और सारे फिटिंग पैंट्स जैगवार की है। इसमें मैं आपको ब्रांड भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें जो भी फिटिंग आप देख रहे हैं वो तो सारी जैगवार की है। तो यहाँ से एक व्यू आपको नजर आ रहा है आपके ड्राइंग डाइनिंग का और ये बेडरूम का। तो हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। दूसरा बेडरूम इसके साइड में ही है। और मैंने भी देखो, हम प्रोजेक्ट शूट करते हैं तो जिस बजट में ये फ्लैट आ रहा है उस बजट में अच्छे खुला डुल्ला फ्लैट है। मतलब रूम मुझे बड़े स्पेशियस लग रहे हैं, जिसने मतलब ठीक है, एक छोटी फैमिली के लिए स्पेशियस है। नॉर्मली मैंने फ्लैट में देखा रूम थोड़ा साइज छोटा होता है, बट इनका साइज़ ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप देखें, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं AC की सारी फिटिंग हो रखी है, इंडोर फिटिंग है इसकी सारी, अंदर फिटिंग कर रखी है। ये वार्डरोब आपको एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ आप ड्रेसिंग, छोटा सा ड्रेसिंग शीशा लग मिरर लग जाएगा, तो ड्रेसिंग भी आप बना सकते हैं। और यहाँ से आप, ये वॉशरूम है आपका। अगेन जो मैंने बताया, मुझे इसका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि यहाँ कोई आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं वॉशरूम के अंदर। और ये ऊपर से आप देखिए, ऊपर तक खड़े ऐसे पूरी फिटिंग आपको उसमें जैगवार की मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा धूल मिट्टी है, तो क्योंकि काम चल रहा है, सैंपल भी रेडी नहीं है, बना रहे हैं, तो इससे थोड़ी बहुत उसमें धूल मिट्टी आपको सामान नजर आ रहा है। बट अच्छी यूनिट है, बहुत प्यारी यूनिट है आपकी। इस बजट में जब आप प्राइस देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये आपका बाहर वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर आप मशीन वगैरह लगा सकते हैं। और इसको आप अपना किसी भी ढंग से ग्रिल लगा के इसको आप ढक सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा व्यू देखें अपना। अब हम वापस जा रहे हैं अपने ड्राइंग डाइनिंग में। ये देखें दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। ये तीसरा बेडरूम है। मैंने आप पहले बोला था 3 BHK 3 वॉशरूम, तीसरा बेडरूम है। इसमें भी आपको AC की फिटिंग वगैरह, ये छोटा आप किड रूम बना सकते हो या आप अपना गेस्ट रूम बना सकते हो। इसके साथ ही आपको ये सामने इधर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सामने आपका ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया। यहाँ भी वार्डरोब है, आप सामान वगैरह रख सकते हैं।
क्योंकि गेस्ट रूम बनाते हैं तो उनका कुछ लगेज वगैरह होगा तो वो यहाँ रख सकते हैं। प्लस आपका ये वॉशरूम है, अगेन इसमें सारी फिटिंग है, बहुत की है और ऊपर तक टाइल्स लगे हुए हैं। ये एग्जॉस्ट है, यहाँ पर एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा काम चल रहा है इसलिए लग रहा है। अरे ये देखिए आप यहाँ से एक राउंड ले लेते हैं लास्ट में। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो डैट आपको हमारे अपडेटेड प्रोजेक्ट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स इस 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम के साथ जो हमने दिखाया है इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपकी है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जल्दी करिए, यूनिट इतना बढ़िया है कि फटाफट निकल जाएंगे हमें पता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे PGI से के स्टाफ एरो मतलब आपके एडवोकेट्स वगैरह और कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, पास में है आपका, न्यू चंडीगढ़ पास है, स्टेडियम पास है आपका, PGI यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव रहती है। अगर आप 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपको मोहाली का सबसे बड़ा मॉल VR पंजाब आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप हमें मिलें और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कुछ भी इंक्वायरी नीचे दिए नंबर पर कॉल करें। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद फ्रेंड्स। सैम्पल मैंने शूट कर लिया, वो आपको हमने दिखा दिया है। थोड़ी सी आपको लोकेलिटी दिखाते हैं। ये आपकी 40 फीट की रोड है और यहाँ से ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख सकते हैं ये है। यहाँ 3 BHK है तो इधर आपने देखा है ये 3 BHK के फ्लैट हैं और यहाँ पे सामने आपके 2 BHK के फ्लैट हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्द हमें कांटेक्ट करें, बड़ी जल्दी यूनिट्स निकल रहे हैं ये और बहुत अच्छे यूनिट्स हैं। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है आपने तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। और यहाँ देखें आप ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी घर हैं, कोठियाँ हैं, चारों तरफ बनी हुई है और एक अच्छी सोसाइटी बिल्डअप सोसाइटी के अंदर ये फ्लैट है। तो आप इस फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी है तो आप नीचे जो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।